प्रकार की एसपीजी सुरक्षा हटाई गई है, आपको क्या लगता है क्या कारण है जिसमें से हटाया गया है, सुरक्षा को हटाया गया है? देखिए ऐसा है, ये जो बदले की भावना है ये राजनीति में होनी नहीं चाहिए। जिस परिवार ने देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी हो और उसको खतरा है, पूरे परिवार को खतरा है। वो इंदिरा जी की कैसे मौत हुई आप सब जानते हैं, राजीव जी की मौत कैसे हुई आप सब, सारा देश जानता है। मगर ये जो है इसकी सिक्योरिटी हटाना, ये इतनी गलत बात है। पीछे राजीव जी की सिक्योरिटी हटाई थी, क्या क्या हालात हुए थे? तो ये जान पूछ करके जो है बदले की भावना से सिक्योरिटी हटाई गई है, और ये गलत है। जो ये तरीका जो इन्होंने अपना रखा है ये बिल्कुल गलत है। हम इसके विरोध में आए हैं आज सारे साथी, और हम डट करके इसका विरोध करते हैं। इनके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसके तहत इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हमारे जो उनके पास अब सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं रहा राहुल जी के ऊपर, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, मनमोहन सिंह जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, अमित शाह और आरएसएस प्रमुख के पास तो इतनी सिक्योरिटी रहेगी, अमित शाह के पास इतनी सिक्योरिटी रहेगी, और जिन लोगों के पास, रामदेव के पास सिक्योरिटी रहेगी, और जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दे रखी हैं ऑलरेडी, जिनका सब लोगों को पता है इतिहास है कुर्बानी का, उन लोगों के पास आज सुरक्षा की जरूरत नहीं रही, उन लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। ये जो बहानेबाजी ड्रामेबाजी कर रही है, जैसा अभी भाई साहब कह रहे थे कि ये सब ड्रामेबाजी है कि भाई उनको जो है आज सुरक्षा का थ्रेट नहीं है, ये बदले की भावना से सब कार्रवाई हो रही है, इससे लोग खिलाफ हैं और आने वाले समय में लोग इस बात का इनसे हिसाब चुकता करेंगे। हमारे अध्यक्ष उमर जी की तरफ से ये हम साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरा कांग्रेस कमेटी के साथ। देखिए सोनिया जी के परिवार जी, राहुल जी के परिवार ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनके लिए एसपीजी स्पेशल थी कि अभी भी उनको थ्रेट प्रॉपर है। जैसे राजीव गांधी जी के साथ प्लानिंग करके हम उसको एक तरह से मर्डर ही कहेंगे जो हुआ था, ये दोबारा उसकी प्रवृत्ति तो नहीं होने जा रही कहीं, हमें उसका पूरा आसार लग रहे हैं। तो इसलिए हम इसके लिए पूरा प्रोटेस्ट करेंगे कि कोई तो कारण होगा जो एसपीजी वापस ली गई, क्यों ली गई है, क्या कहीं डर है, या आपको ये डर है कि दोबारा कांग्रेस सत्ता में आ रही है, आप हर जगह पिटते जा रहे हैं, बीजेपी वाले सरकारें हिलती जा रही हैं, उसके डर की वजह से शायद इन्होंने एसपीजी हटाई है ताकि कम से कम ये प्रचार कर सकें। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जो हमारे रमेश जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, ये हमसे डर गए हैं, हमारी कार्यशैली से पहले भी डरते थे, अब ज़्यादा डर गए हैं, इसलिए इन लोगों ने हमारे नेताओं की सिक्योरिटी हटाई है, और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे हमें रोड पे आके गली गली में प्रदर्शन करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे, सिक्योरिटी वापस दिलवा के छोड़ेंगे। आपको लगता है बीजेपी सरकार डरी हुई है? बिल्कुल डरी हुई है बीजेपी की सरकार, नहीं तो क्यों हमारे नेताओं की उन्होंने सिक्योरिटी हटाई है। देखिए ऐसा ये बदले से की हुई भावनाओं की कार्रवाई है, ये मोदी जी का डर बता रही है, अमित शाह जी का डर बता रही है कि कांग्रेस के आंदोलन को ऐसे दबाया नहीं जा सकता। वो परिवार जिस परिवार ने कुर्बानियां दी हैं, वो परिवार जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को सींचा है, उस परिवार के एसपीजी हटाकर ये देश को क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी एक एक करके टारगेट बना रहे हैं, एक एक करके उस व्यक्ति, उस समुदाय, उस संगठन को टारगेट बना रहे हैं जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है। हम ये कहना चाहते हैं एसपीजी हटाने से कुछ नहीं होगा, हटाना है तो देश के विकार को हटाओ, विकास लाओ, महिलाओं की सुरक्षा दो, गरीबों को रोजगार दो, गरीबों को काम करने के साधन दो, पकौड़े बेचकर किसी को रोजगार मत दो, जिसने MBA, BBA या MCA किया है उस बच्चों से पकौड़े मत बिकवाओ, उसको दो दिशा दो, ये हम कहना चाहते हैं। गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा डाली गई है, लेकिन वही बीजेपी जो प्रज्ञा ठाकुर है उस पर कई आरोप लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी उन्हें हम यही कहना चाहते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं कि लोग इस बात को करने लग गए हैं।
पहले कांग्रेस अकेली बोलती थी, लोग देखते थे, मीडिया नहीं बताता था, मीडिया नहीं छापता था, दिखाता नहीं था। आज आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ऐसे लोग जो आतंकवाद में जेल में काट चुके हैं, वो लोग आज इस तरह के पदों पे बैठे, ये शर्म की बात है मोदी जी। आपको इसका मतलब अच्छे बुरे में फर्क नहीं दिखाई देता। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज गांधी परिवार के साथ, उनकी सुरक्षा है, उनका एक एक कदम के साथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चलेगा, ये हम कहना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पिंक हाइक कर गई है, उस पर क्या आपको क्या लगता है, क्या कारण है उनकी पिंक हाइक? देखिए, वो फीस बढ़ाने का कारण नहीं है। अगर आप असलियत में जाएंगे तो उसको भगवाकरण करने का एक आंदोलन है, किसी भी सिलेबस में चेंज करना, किसी भी संस्थान को टारगेट करना। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी उन गरीबों की यूनिवर्सिटी है, जो देश के कोने कोने से आकर गरीब परिवार के लोग वहाँ रहते थे, पढ़ते थे। इनके केंद्रीय मंत्री सीतारमण भी कहाँ से आई हैं, वो भी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं। अगर वहाँ आतंकवाद पैदा होता है, देशद्रोही पैदा होते हैं, तो सीतारमण जी क्या हैं? हम कहना चाहते हैं, व्यक्ति गलत हो सकता है, कोई संस्थान गलत नहीं हो सकता। उस संस्थान के आगे नेहरू लिखा हुआ है, टारगेट है नेहरू, टारगेट है गांधी परिवार। हम यही दिखाना चाहते हैं, हम इस आंदोलन के जरिए माननीय सुभाष चोपड़ा जी के नेतृत्व में यही देश को बताना चाहते हैं कि आज आंदोलन की लड़ाई है, आज सच्चाई और बेईमानी की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जो सच्चाई के लिए लड़ रही है और दूसरी तरफ ये बहुरूपिये हैं। हम यही कहना चाहते हैं। देखिए, ना तो अच्छे दिन आए, किसी भी गरीब परिवार से पूछ लीजिए, कोई पॉलिसीज इनके पास नहीं है। गरीब नहीं हटा सकते, गरीबी नहीं हटा सकते। इनके दिन अच्छे जरूर आ गए हैं, लेकिन गरीबों को आज रोटी नहीं है। आज छोटा व्यापारी रो रहा है, आज बड़ा व्यापारी रो रहा है, आज शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है। लाखों संस्थान ऐसे हैं जहाँ के रिक्त पड़े हुए पद मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे। सदस्य सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी से एसपीजी प्रोटेक्शन हटाया गया है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से एसपीजी प्रोटेक्शन हटाया गया है, उसी के खिलाफ आज दिल्ली कांग्रेस ये सारे कार्यकर्ता है, दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चोपड़ा जी के नेतृत्व में हम सड़कों पर उतरे हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि गांधी परिवार के दो सदस्य, देश के दो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी टेररिस्ट अटैक की अटैक्स के माध्यम से अपना जान दे दिए हैं, इस देश की धरती को मजबूत करने के लिए अपना जान दे दिए हैं। तो उनको, उनके परिवार को, और जो कि तीनों के तीनों एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, तो क्यों हटाया जा रहा है? देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एसपीजी सुरक्षा क्यों हटाया जा रहा है? हम ये सरकार से जानना चाहेंगे। और ये भी हम जनता को याद दिलाना चाहेंगे कि वीपी सिंह का सरकार का समय राजीव गांधी जी का एसपीजी सुरक्षा हटाया दिया गया था। अगर वो एसपीजी सुरक्षा होते तो शायद राजीव गांधी जी को टेररिस्ट अटैक में अपना जान नहीं देना पड़ता। तो ये तो बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन है और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।